बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। मैं मसालेदार भिंडी लेके आई हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने भिंडी ले ली है, फ्रेश भिंडी है, ये हाफ के जी भिंडी है, तो मैंने इसे इस तरीके से काट लिया है। देखिए स्लाइस में आपको नज़र आ रही होगी, इस तरीके से मैंने पतली पतली स्लाइस में कट करी हैं। आप चाहें जिस आकार में काटना चाहें उस आकार में काट सकते हैं। अब मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, ये मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया था, 3 से 4 हरी मिर्च ले ली हैं, और ये मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, और 1/2 चम्मच मिर्च ली है, और ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली थी, थोड़ा सा मैंने काली वाली सरसों ली है, और मैंने लिया है इसमें जीरा। तो ये इन सबको डाल के मैं अच्छे से कड़का लूँगी। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, तो मैंने इसे पहले जीरा और राई और मैंने अजवाइन डाल के इसे कड़का लिया था। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसे ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा पिंक करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो बस हल्का सा लाइटली सी, जब ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाए बस इतना ही हमें करना है। अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने जो हल्दी ली थी वो हल्दी मैं इस वक्त डाल दूंगी ऑयल में, क्योंकि ऑयल में अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि भिंडी हमारी बहुत जल्दी से पक जाती है। तो ये मैंने पहले हरी मिर्च डाल दी, हरी मिर्च डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इस तरीके से जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा से इन्हेंस होकर निकलता है। तो मैंने क्या करना है, अब इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है, और हल्दी जब हमारी बहुत अच्छे से तेल में पक जाएगी तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, जो हल्दी के थोड़ा कच्चापन रहता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप बना के देखिएगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इस तरीके की जब आप भिंडी की रेसिपी बनाएंगे ना, सिंपल से सादी सी भिंडी तो आपने बहुत बार खाई होगी, तो आप इस तरीके से मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, हल्दी भी अच्छे से पक गई है। अब क्या करना है, अब मैंने इसमें जो भिंडी काटी थी वो इसमें डाल देंगे, मैंने इस पे जो मसाले लिए थे वो मसाले मैं इसमें डाल दूंगी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक जो है मैंने सब चीज़ मिला के इसमें डाल दी है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और इसे पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिना पानी के ये बहुत ही अच्छी सी कुरकुरी सी करारी सी भिंडी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मैं इसे ढकूँगी नहीं, बिना ढके ही पकाऊँगी। इस तरीके से देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हाफ ढक्कन ढकूंगी, फुल नहीं ढकूंगी। देखिए थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है मैंने इस तरीके से, अब बस 1 मिनट के लिए मैंने इसे ढका था। अब मैंने इसे क्या करना है, ये मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है, ये मैंने इमली का पल्प लिया था उसे ड्राई कर लिया है, यानी कि ये मैंने फ्रीजर कर लिया था, उसे मैंने कद्दूकस करके इस तरीके से डाला है। तो इमली का पल्प ज़्यादा ही अच्छा रहता है, तो मैंने अब इसमें क्या करना है, एक बहुत ही खास इन्ग्रीडियंट मैंने कसूरी मेथी डाली है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा, और एक बार डाल के देखिएगा आपको इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग लगेगा भिंडी का। और ये हमारी भिंडी देखिए झटपट से तैयार हो गई है, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप लोग जाइए इसे पराठे के साथ खाइए, या फिर पूड़ी के साथ खाइए, या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और बनाना मत भूलिएगा, इस तरीके की भिंडी बनाएंगे तो आपके यहाँ बार बार बनाने की फरमाइश होगी। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।